नहीं है, जिनके कारण ये खफा है और कह रहे हैं कि फर्नीचर का काम नहीं होगा। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ जिसका नारेबाजी और जम्मू मेयर और जम्मू कमिश्नर के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हमें जो है हमारे पैसे जो है हमें वो दिए जाए और क्या लग रहा है कि आपको अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी ऊपर हैं और मेयर भी हैं, तो क्या लग रहा है कि उनके साथ मुलाकात करें? उम्मीद है, हम उसी उम्मीद में बैठे हैं, उन्हीं का वेट भी कर रहे हैं कि वो आए, कि उनसे हमें उम्मीद है शायद वो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाए और हमारी पेमेंट मसला हल करें, हमें उम्मीद है। इससे पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया? बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन हमारी आवाज ऊपर तक नहीं जा रही थी, लेकिन आज हमें पता था हाउस से आज सभी यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो बैठे आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, शायद हमारा मसला हल हो जाए। रविंदर टंडन से क्या बातचीत करेंगे? हम यही बात करेंगे, सर हमारी पेमेंट है, जो मसले हमारे हैं मसले हल करेंगे, हमें उम्मीद है कि शायद हमारे मसले हल हो जाए। अभी जो फर्दर काम जो है वो अभी कोई काम नहीं करेगा, हम दो तीन दिन बाद हमारे एसोसिएशन का ये है कि दो दिन के बाद हमारे सारे काम बंद हो जाएंगे। जी जी, हमारे एक्चुअल ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा पैसा सब इन्होंने रोक लिया है और एक साल से हमें कोई पेमेंट नहीं हुई है। सर स्मार्ट सिटी का एक अलग है कि स्मार्ट सिटी के जो बाहर से बड़े बड़े ठेकेदार हैं जिनके करोड़ों खरबों के हिसाब से काम नहीं है, उनको पेमेंट दे रहे हैं क्योंकि वो बाहर के, हम लोकल हैं बेचारे, यहाँ के हमें इसलिए मारा जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, हमारी बैंक में लाइबिलिटीज हैं, हम वहाँ इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम कहाँ से पैसा लाएं जब तक ये अभी काम नहीं करेंगे, जब तक ये पैसा नहीं देंगे हम कैसे अपने बी बच्चों को पालेंगे, हम तो बिल्कुल लाचार हो चुके हैं, इन्होंने हमें लाचार कर दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज हमारा कुछ फैसला के लोगों को पैसे देने के, जम्मू में तो खुद जम्मू के हैं सर, वही तो अफसोस की बात है, वो हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, मेयर सर हमारी क्यों नहीं सुन रहे, उन लोगों की क्यों सुनवाई हो रही है, लेकिन हमें आज उम्मीद है हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी आपके माध्यम से, शायद हमारा कोई ना कोई आज रिजल्ट निकल जाएगा, नहीं निकलेगा कल से रेगुलर हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। आज बहुत ही दुखद की बात है, मेयर साहब ने बोला हुआ है कॉन्ट्रैक्टर आर नॉट अलाउड, कोई बात नहीं, हम भी नहीं जाएंगे उनसे मिलने, कोई बात नहीं, हम भी नीचे बैठे, हमें जल्द उम्मीद है कि हमसे मिलेंगे, देखते हैं आगे क्या नहीं है, अब आपको बुलाएंगे भी नहीं, कोई बात नहीं, हम भी नहीं जाएंगे, अगर बुलाएंगे तो हम बैठे हैं, हम रोडों पे बैठे हैं, रोडों पे बैठे रहेंगे और रेगुलर प्रोटेस्ट चलेगा, ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कब से पिछले साल से हमें कोई पैसा नहीं मिला है, हमारे पैसे रोक दिए इन्होंने, हमें पैसे दे रहे और बोल रहे आगे काम करो, हम कैसे काम करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है।